इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी सामान को कैसे पार्सल करें ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह। जैसे केजी जाता है यहाँ से सामान, कितने रुपए लेते हैं उसका पता करते हैं। हाँ, उसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि आप पार्सल करोगे तो कैसे क्या सुविधा है। दलालों से भी सावधान रहे, काफी दलाल मिलते हैं यहाँ पे। वेलकम टू माई चैनल नवीन किसान ब्लॉग। तो दोस्तों, वीडियो में हम जानेंगे कि किसी सामान को कैसे पार्सल करें ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं आपको अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पार्सल गोदाम ले जाऊंगा। और इन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको जानकारी ऐसी अच्छी अच्छी मिलती रहे। चलिए बने रहिए वीडियो में, मिलेंगे स्टेशन पे। तो भाई देखो, अभी आ गए हम लोग नई दिल्ली स्टेशन के पास और अभी यहाँ से पार्सल गोदाम का पता करते किधर है। अंकल, पार्सल गोदाम किधर होगा? पार्सल गोदाम आगे। देखो भाई, पार्सल पैकिंग वगैरह सब हो रहे हैं, सामान सब लोग लाते हैं अपने घरों से। ये देखो, गाड़ी में भी सामान आया है और यहाँ उतारेंगे, यहाँ से पार्सल वगैरह के लिए पैकिंग होता है। ये पार्सल कैसे क्या सुनता है? मुझे दरभंगा भेजना है यहाँ से। ये घर का सामान है, वही बोरा में बंधा हुआ मशीन वगैरह सब है, सिलाई मशीन और बर्तन वगैरह है और कुछ कंबलिए। आपको 13 या 14 को, मेरा 15 का टिकट बना हुआ है, तो जिस दिन जाएंगे उसी दिन करवा सकते हैं। हाँ, कौन सी ट्रेन में? स्वतंत्रता सेनानी एक इस टाइम पे सुबह में। हाँ, जिस दिन टिकट होगी उसी दिन फोटो कॉपी उसकी। अच्छा, और जैसे अगर 2 दिन पहले मैं पार्सल करना चाहूँगा लेट हो जाएगा भाई? इधर सामान पार्सल सब पता करते हैं, कैसे केजी जाता है यहाँ से सामान, कितने रुपए लेते हैं उसका पता करते हैं। 9 नंबर काउंटर पे आना होगा, नई दिल्ली स्टेशन के पास है। चलिए उसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि आप पार्सल करोगे तो कैसे क्या सुविधा है। आप इसको एक बार स्टॉप करके पॉज करके वीडियो को एक बार पूरा देख लें और इसे पढ़ लें, इसकी जानकारी इसमें पूरी लिखी हुई है। दलालों से भी सावधान रहे, काफ़ी दलाल मिलते हैं यहाँ पे। पार्सल कैसे कीजिए? दरभंगा जाना है मुझे, तो उसका कैसे क्या, एक दिन पहले आना होगा, कैसे आना होगा वो मुझे बता दो, मुझे पता नहीं है उसका। कौन से टेबल? तो भाई, अभी मैंने यहाँ पार्सल गोदाम में पता किया कि यहाँ जो केजी चल रहा है, अगर आपके पास टिकट है जिस दिन आप जाते हो, अगर उस दिन अगर आप अपना पार्सल करवाते हो तो आपका जो है 6 रुपये केजी के वजन के हिसाब से यहाँ सामान पार्सल होगा, और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो 5 रुपये केजी के हिसाब से पार्सल जाएगा। और यहाँ दलालों से सावधान रहे, मुझे 1-2 दलाल मिले, वो 9 रुपये कोई 8 रुपये ऐसे केजी बता रहा था। तो इन सबसे सावधान रहे, सीधा यहाँ 9 नंबर काउंटर पर आए, वहाँ पर पता करें, नहीं तो यहाँ पे एक बना हुआ है, एक टेबल लगा हुआ है, उसमें आपके आके पता कर सकते हो कि कितने रुपए कैसे क्या सुविधा है। यहाँ सब कुछ अच्छे से बताते हैं, और भी कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पार्सल का सुविधा सब कुछ सही है, आसान है, सब कुछ अच्छा। और यहाँ पे जैसे कि आप घर से सामान पैक करवा के लाते हो तो यहाँ भी में आपको सुविधा मिलेगा। और जैसे आप घर से सामान पैक करके नहीं लाते हो, मतलब 2-4 बोरा उसको एक बनाना चाहते हो, उसका भी यहाँ सुविधा है। 200, 250 या 100 रुपये ऐसे, मुझे तो कहा गया ऐसे 100 रुपये सिलाई करके करने हैं, वैसे उसका मैं पता नहीं, जिस दिन आऊँगा उस दिन का मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सुविधा है, अब यहाँ से हम लोग घर जा रहे हैं। गाइस, मैं एक और जानकारी आपको दे देता हूँ, अगर आप जिस दिन जाते हो उस दिन टिकट क्लियर करवाने के लिए साथ में भी ला सकते हो, या उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी आप करवा सकते हो। तो सुविधा अधिकतर देखा जाता है कि जिस दिन आप जाते हो उससे 1 दिन पहले अगर आप पार्सल कराओगे तो आप अगले दिन वहाँ पहुँचोगे तो आपको वहाँ पर आपका सामान आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, जय हिंद।